के वहाँ पर अभी जो आ रही हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लेकिन उनको फिर भी वोट नहीं डालने दिया जाता तो इस हवाले से वफाकी कर रही है ये इंश्योर करने के लिए के भी वहाँ पर निकलें ज्यादा तादाद में देखिये वहाँ पर कंट्रोल तो होता है सारी हकूमत की इंतजामी मशीनरी जो है वो एट द डिस्पोजल होती है इसके ऊपर बड़े वाज कानून भी हैं और पहले इसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ है कि एक मिनिमम वोट से कम जो हुआ था तो दोबारा वोटिंग वहाँ पर ऑर्डर की गई थी और ज़ाहिर है ये हर शहरी का हक है फंडामेंटल बुनियादी राइट है आ, को तो जो भी रोक रहा है वो ग़ैर कानूनी बात कर रहा है वो गैर आइनी बात कर रहा है और इससे जमहूरियत कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर सब लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के साथ अपना वोट का इस्तेमाल ना कर सकें सो so, बिल्कुल इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए पीटीआई की इस वक्त क्या वहाँ पर अली है किस तरह से वहाँ पर क्या अलायंसेस बनाएंगे और अगर बनाएंगे किन जमातों के साथ और क्या करना चाहेंगे वहाँ पर देखिए फॉर्मल अलायंस जो हमारा बना था वो तो बेहतर मुसलमीन के साथ था बाईस सीट्स के ऊपर हमारे कैंडिडेट खड़े हैं दो सीट्स के ऊपर उनके कैंडिडेट हैं लेकिन उसके अलावा द इंडिपेंडेंस जो है मुझे पता है कि कुछ इंडिपेंडेंस के साथ भी बातचीत हुई है बट वो तो ज़्यादा पोस्ट इलेक्शन एक सनारी होता है बाकी कोई और बड़ी पार्टी के साथ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा कोई अलायंस होने का पॉलिटिकल अलायंस का अच्छी खबरें आ रही हैं कल दो ओपिनियन पोल्स रिलीज़ हुए हैं दोनों ये शो कर रहे हैं कि तरीक़ानसाफ़ लीड में है वहाँ पर तो हमें तो उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी कैसे होगा कि कौन सी पार्टी जो है आगे आएगी क्या जो गिलगित बल्तिसान के इलेक्शन हैं क्या वो इस बात का तयन कर सकेंगे कि कौन सी जमात जो है आगे जाके इस्लामाबाद में हुकूमत हुत नहीं मेरे ख्याल में वो तो ओवर रीड हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखें कि दो हज़ार आठ से तेरह के दरमियान जब इलेक्शन हुआ था तो वो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर इलेक्शन जीता गिलगित बल्तिस्तान में लेकिन वो अगला इलेक्शन हार गए और मुस्लिम लीग नून जीत गई फिर जब पिछला इलेक्शन हुआ वहाँ पर 2015 में शायद हुआ था तो 2015 के अंदर मुस्लिम लीग नून जीती इलेक्शन वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में लेकिन अगला इलेक्शन हार गई तरीक इंसाफ को सो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन एक अहम इलेक्शन है ज़ाहिर है और सबकी हर पार्टी की ख्वाहिश है कि वहाँ बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए लेकिन उसको ये कहना कि वो बुनियाद बनेगी अगले जनरल इलेक्शन के लिए वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा यानी जो बार बार कहा जाता है हुकूमत जाने वाली है जाने वाली है इस तरह के बयानी को ख़त्म किया जाएगा आप ये करने में आपकी जमात कितना कामयाब रही है पिछले बारह साल हो गए जनरल मुशर्रफ़ का टाइम खत्म हुए हुए उसके बाद से मेरे ख्याल में पिछले बारह साल के अंदर तीन सियासी जमातों की हुकूमतें आई हैं वफाक के अंदर कोई तीन से चार महीने शायद कोई गुज़रते हों के जिसके अंदर ये अफवाह वरना सारा वो यही हो होता है बस अभी हुकूमत ख़त्म होने वाली है अभी हुकूमत ख़त्म होने वाली है तो वो एक इस्लामाबाद का एक बन गया है आ, हमारी जो आ, सियासी आ, और जो मीडिया की हमारा एक बयानिया है वो तो मुस्तकिल बयानिया बन गया है आ, हकीकत के अंदर मुझे तो ऐसी कोई ऐसी नॉमल चीज़ नहीं नजर आती जहाँ तक आप तहरीक के लीडर्स की बात करें तो ये तो बड़ी ज्यादती होगी अपोजिशन वालों के साथ आई थिंक आपका सवाल जो है आ, इसके ऊपर अगर मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं तो बहुत सवियर ऑब्जेक्शन करूँ क्योंकि लगता है ऐसे ये है कि वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं ये अंदर से कोई छेड़ता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं उनकी अपनी सियासत है तरीकान साफ़ की अपनी सियासत है और आई थिंक कोई फॉर्मल uh, सतह के ऊपर कोई गवर्नमेंट सतह के ऊपर ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसको आप कहेंगे ये इंस्टिगेशन है से अगर थोड़ा आगे चलें तो जो चाइना पार्क इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ पर अभी कोई अथॉरिटी नहीं है यानी कोई चेयरमैन नहीं है सी पैक का इस वक्त इसकी क्या वजह है और क्यों इस वक्त वो नहीं देखिए वो तो इस वजह वजह यह है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर गया था और उस वक्त नई एक बिल के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका लेकिन एक रिवाइज बिल जो है वो दिया गया और जिस स्टैंडिंग कमेटी की आप बात करें वो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में वो डिस्कशन थी ही नए बिल के ऊपर वो बिल कंसिडर हो रहा है मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगली मीटिंग के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बिल को पास कर देगी जो भी अगर उसमें कोई तरामीन परवानी है उसके बाद उसको पास कर देगी वो असेंबली में आ जाएगा वोट करने के लिए लेकिन मैं वजाहत के लिए कि सी का, का काम नहीं रुका है सी के काम की जिम्मेदारी जो है लीड वो जिम्मेदारी मेरे पास थी मेरे पास है सी पे अथॉरिटी हो या ना हो जे सी सी को चेयर प्लानिंग मिनिस्टर करते हैं सी अथॉरिटी भी प्लानिंग डिवीजन के ही तहत काम करती है